गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ गुम है किसी के प्यार में। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि रजत सभी को एक दिन में डिवोर्स दे देगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अब आप ये सोचेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे जो है मतलब अब उनकी शादी हो चुकी है और आज है कोर्ट का सुनवाई और सब जाते हैं। एंड देन उसके बाद जब यहाँ से पूछा जाता है सही से कि तुम किसके साथ रहना चाहोगी, अपने फादर रजत के साथ या अपनी माँ आशिका के साथ, तो वो आशिका को चुनती है और आशिका भी ये बात बोलती है कि हाँ मेरे साथ रहेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी, उसके लिए मैंने दो नैनी भी रखा है जो उसका पूरा तरीका से देखभाल रखे। एंड देन उसके बाद मैं काफ़ी हद तक ज़्यादा उसे रेपुटेड स्कूल में एडमिशन भी कराऊंगी जिसमें ऑलरेडी कयान पढ़ता है। अब ये कयान है कौन? ये कोई न्यू कैरेक्टर है जो एंट्री होने वाला है। एंड देन उसके बाद ये देखने को मिलेगा कि रजत सभी को ये बोलता है कि जिस सरकमस्टेंसेस के लिए मैंने तुमसे शादी की थी अब तो वो रही नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ रह के क्या करूँगा। तो यहाँ पे जो है सभी बोलती है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सही जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कोर्ट के दौरान एक कन्वर्सेशन होता है आशिका और सभी के बीच। तो यहाँ पे आशिका बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम पैसों के लिए शादी की हो रजत से, तो वहाँ पे ये बोलती है कि जो खुद पैसा पैसा करती है वो दूसरों की ममता कैसे समझ सकती है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि सच में इन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विल वी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो टाटा।